हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको हिंदी में क्रिया समझाएंगे कि क्रिया क्या होती है। तो क्रिया की परिभाषा है काम का होना या करना क्रिया कहलाता है, यानी कोई भी काम हो रहा है या उसको किया जा रहा है। काम का होना या करना क्रिया कहलाता है। जैसे उदाहरण, लिखना, सोना, पढ़ना, खेलना आदि। अब गरिमा नाच रही है, तो गरिमा क्या कर रही है, इसका क्या कार्य हो रहा है? गरिमा तो संज्ञा हो गई, लेकिन क्या कर रही है? नाच रही है। तो नाच क्या हो गई है? हमारी क्रिया। रवि पढ़ रहा है, रवि क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो रवि का ये पढ़ क्या है? रवि तो संज्ञा है और क्या काम कर रहा है? पढ़ रहा है। मेघा गाना गा रही है, तो क्या कर रही है? वो गाना गा रही है। मेघा गाना गा रही है। तो किसी भी काम का करना या होना पाया जाता है वो क्रिया कहलाता है। क्रिया दो तरह से होती है, एक तो काम के होने से और एक होती है हम खुद कर रहे हैं, यानी काम खुद हो रहा है या फिर काम किया जा रहा है। क्रिया का प्रयोग भी हम लिंग और वचन के अनुसार करते हैं। अब जैसे क्रिया दो तरह की है, करना, तो करना क्या हुई? हम दूसरे के लिए बोल रहे हैं कि जैसे हमने बोला रोहन भाषण दे रहा है, तो रोहन भाषण दे रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है? भाषण दे रहा है। रोहन भाषण दे रहा है मतलब क्या है? ये काम का करना है या होना है, ये हमारा आ रहा है करना। और होना क्या होता है? एक काम सेल्फ होता है, तो सेल्फ हुआ कि जैसे कि वो कोई भी चीज़ है, अगर होना तो ये कि वो चीज़ है, पर्टिकुलर है। जैसे मैंने बोला वो एक मेज़ है, वो मेज़ है, तो वो मेज़ है, उसमें कुछ और नहीं है, मेज़ है। या वो कुतुब मीनार है, तो ये हमारा क्या डिपेंड कर रहा है? ये काम के होने पे डिपेंड कर रहा है और ये काम के करने पे हो रहा है कि कोई पर्टिकुलर, कोई मेन व्यक्ति, कोई मतलब व्यक्ति वो अपने काम को कर रहा है। और ये जो सेल्फ पहले से ही काम है, उसको हमें कुछ करना नहीं है, हमें केवल बताना है कि ये ब्लैक बोर्ड है, ये लिखा हुआ है, तो वो पहले से ही है। तो आप इस क्रिया की परिभाषा को अच्छे से याद करेंगे और समझेंगे काम का होना या करना क्रिया कहलाता है।